हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हेमास कुकिंग डायरी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक डेजर्ट की रेसिपी। ये स्वीट डिश जिसका नाम है फिरनी, ये बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनती है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए हम ये फिरनी की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही कम चीज़ों के साथ हम फिरनी को बनाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। यहाँ पर मैंने एक कटोरे के करीब बासमती चावल लिया है। इसे मैंने पानी में आधे घंटे के लिए कम से कम सोख किया है, और जब आधे घंटे बाद ये चावल हमारे अच्छे से सोख हो जाएंगे तब हम इसे ग्राइंडर जार में डालकर इसका एक अच्छा पेस्ट बना लेंगे। हमें इसे बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, बस हमें इसे दरदरा से थोड़ा सा पीस लेना है। यहाँ आप चावल का टेक्सचर देख सकते हैं, हमने इसे थोड़ा दरदरा पीस लिया है और अब इसे हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 1 लीटर के करीब दूध लिया है। इसे हम अच्छे से पकाएंगे। दूध में थोड़ा उबाल आने तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। फ्लेम को हम मीडियम पर रखेंगे और दूध में जब तक अच्छे से उबाल ना आ जाए, दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए, तब तक हम इसे चलाएंगे। यहाँ 2 से 3 मिनट बाद दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है। तो अब हमने जो यहाँ पे चावल को दरदरा पीस लिया था उसका मिक्सचर हम इस दूध में डाल देंगे और इसे अब हम लगातार चलाते रहेंगे। फ्लेम को मीडियम पर ही रखेंगे ताकि जो चावल है वो नीचे चिपके नहीं और इसके लम्स ना पड़े, और इसे अब हम लगातार चलाते रहेंगे। यहाँ पर जो दूध में थोड़ी बहुत मलाई जमते रहेगी उससे भी हम इसमें मिक्स करते रहेंगे। साइड साइड में कढ़ाई में जो थोड़े बहुत मलाई जम रहे हैं उनको भी हम निकालते रहेंगे और जो दूध है उसमें हम मिक्स करते रहेंगे ताकि जो हमारा फिरनी है उसका टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा सा बने और अच्छा बने। इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें फिरनी को लगातार चलाते रहना है वरना वो नीचे से चिपकने लगेगा। फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो फिरनी है उसका टेक्सचर जो है वो गाढ़ा हो चुका है। और अब यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा सा केसर वाला दूध, इससे हमारे फिरनी में कलर अच्छा आएगा। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं फिरनी में। यहाँ आप फिरनी का टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा हो गया है। और अब मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ 1 छोटे चम्मच के करीब इलायची पाउडर, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिरनी में। इसकी गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, इसके कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। इसे हम अच्छे से फिरनी में मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर का भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा फिरनी में। और यहाँ आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर गाढ़ा हो चुका है फिरनी। साइड साइड की जो मलाई है उसे भी हम निकालते रहेंगे लगातार साथ साथ में, और इसे मिक्स करते रहेंगे हम फिरनी में। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और किशमिश का यूज़ किया है। आप चाहे तो अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसे नहीं भी डालना चाहे तो भी आपकी फिरनी बहुत अच्छी बनेगी, आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ 1 कटोरे के करीब चीनी। आपको जितना मीठा पसंद हो आप उस हिसाब से इसमें चीनी डाल सकते हैं। अब चीनी को अच्छे से फिरनी में डिजॉल्व होने तक, मेल्ट होने तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे। चीनी को हम आखिरी में डालेंगे क्योंकि अगर हम चीनी स्टार्टिंग में ही डाल देंगे तो उससे जो चावल है वो अच्छे से नहीं पकेंगे, इसलिए चीनी को हमें लास्ट में डालना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और चीनी जब तक फिरनी में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती, अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती, तब तक हम इसे मिलाएंगे। और तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं फिरनी में बॉयल आना शुरू हो गया है, चीनी भी अच्छे से घुल गई है। तो यहाँ जो फिरनी है वो बनकर तैयार है, ऑलमोस्ट हमारी फिरनी बन गई है। फ्लेम को आप मीडियम पर ही रखें और इसे अब लास्ट में मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पे 5 से 6 बूंदे रोज़ एसेंस की। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप इसे नहीं डालेंगे फिर भी जो आपका फिरनी है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ फिरनी बन के तैयार है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और फिरनी को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो फिरनी हमारा बनकर तैयार है। इतना ही आसान था फिरनी को बनाना, बहुत ही कम चीज़ों के साथ हमने यहाँ पर फिरनी बना ली है। जब फिरनी रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो जाएगी इसे हम मैं इसे सर्व कर लें। इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया है। काजू लिया है मैंने, बादाम और पिस्ता और किशमिश लिया है। आप चाहे तो किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। और जब इसे सर्व कर लेंगे इसे हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे जब आपको खाना हो। 2 से 3 घंटे के लिए आप इसे फ्रिज में रखें, या फिर जब तक आपका फिरनी ठंडा ना हो जाए तब तक आप इसे फ्रिज में रखें और इसे ठंडा ठंडा आप सर्व करें।
तो हमारी फिरनी, इसे आप ठंडा सर्व करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और आपको ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं।